हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वेज पकौड़ा। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, झटपट से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इन्हें बनाना और देखते हैं किस तरह से बनाएंगे अपने घर पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एक कप बेसन लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे, बिल्कुल गाढ़ा बैटर। तो देख लेते हैं, अच्छी तरह से बेसन में पानी को मिक्स करते जाएंगे और पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है। बिल्कुल बैटर हमारा पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एक कप बेसन से कम 2 किलो पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, बस हमें अब इसमें से जो जितनी भी गुठलियाँ हैं सब ख़त्म करनी है, पानी और इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, बेसन हमारा अच्छी तरह से फूल भी चुका है, सेट भी हो चुका है और कंसिस्टेंसी देखिए आप, बिल्कुल इसी तरह से हमें बैटर बनाना है। ये देखिए कितना गाढ़ा है। तो अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। मसाले देख लेते हैं। ये मैंने लिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे, लाल मिर्च का पाउडर क्योंकि हरी मिर्च भी अभी इसमें जाएगी। और ये लिया है मैंने साबुत जीरा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब। हींग डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पकौड़े हैं तो डाइजेस्ट भी तो हमें करने हैं। और ये है आमचूर पाउडर 1 चम्मच या जितना आपको पसंद है। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला और हल्दी डाल रही हूँ मैं सिर्फ कलर के लिए। तो इन सभी मसालों को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लेते हैं। सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए और देख रहे हैं ना आप, इसका जो बैटर मैंने बनाया है कितना गाढ़ा है। तो इसी तरह का बैटर हमें चाहिए, पतला बैटर बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊंगी अभी कि क्यों नहीं चाहिए। तो ये मैंने लिया है कट करके पालक, अच्छी तरह से साफ करके धोकर मैंने कट कर ली है, तो 1 कप के करीब है। डाल दी इसमें मैंने, साथ में और वेजीज डाल देते हैं। तो ये मैंने लिया है प्याज कट करके लंबाई में, ये है फूल गोभी। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने आलू को कट कर लिया है छोटा छोटा, थोड़ा पतला पतला, तो ये भी डाल देते हैं। और ये हरी मिर्च और हरा धनिया, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे, ये ज़रूर डालिएगा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो पकौड़े होते हैं ना, वही टेस्ट इसमें आएगा आपको। तो हरी मिर्च और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, अगर कम खाते हैं तो बेशक कम कर लीजिएगा। तो अब इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। अब देखिए, पानी इसमें मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने काफ़ी सारी वेजीज इसमें डाली है, तो ये काफ़ी पानी रिलीज़ करेंगी क्योंकि हमें 10 मिनट इसे रेस्ट के लिए रखना ही रखना है। तो पानी रिलीज़ होगा सब्जियों में से और बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ज़्यादा बेसन इसमें बिल्कुल मत डालिएगा, सब्जियाँ ज़्यादा होंगी बेसन कम होगा तो पकौड़े हमारे बहुत टेस्टी बनेंगे। अगर बेसन ज़्यादा हो गया तो बेसन का स्वाद ज़्यादा आएगा और सब्जियों का कम। तो हमें तो सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही चाहिए बेसन। तो ये देखिए, बिल्कुल सही है मात्रा बेसन की इसमें। तो अभी पानी रिलीज़ होगा तो पकौड़े हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएंगे। तो रेस्ट के लिए रख देते हैं ऐसे 10 मिनट और इसे सेट होने देते हैं। तो आप इस तरह से अपने घर पर ज़रूर बनाएं पकौड़े। तो बेसन हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है क्योंकि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी मैंने गर्म कर लिया है गैस के ऊपर रख के। तो मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है, अब हाई फ्लेम पर मैंने गर्म किया था ऑयल को और मीडियम फ्लेम अब इसकी कर दी है। और डाल देते हैं इसमें पकौड़े फ्राई होने के लिए।
तो ये देखिए कितनी झटपट से पकौड़े बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और बेसन, एक कप बेसन में हम सब्जियां डालकर अच्छी तरह से 2 kg पकौड़े तैयार कर सकते हैं और पूरा परिवार बहुत खुश होकर खा सकता है। तो है ना कितना आसान पकौड़े बनाना। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसे चला देते हैं एक बार और अच्छी तरह से इसे फ्राई होने देते हैं जब तक इसका कलर गोल्डन ना आ जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। अब आप फटाफट लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का भी। तो ये देखिए कलर कितना बढ़िया आ गया पकौड़ों का। बस इससे ज़्यादा हमें और इसमें कलर नहीं लेके आना। तो निकाल देते हैं इसे टिश्यू पेपर के ऊपर। और इसी तरह से मैं बाकी के सभी पकौड़े फ्राई कर लूँगी। तो काफ़ी ढेर सारे पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो डाल देते हैं दूसरा बैच भी इसमें। आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हींग डाली है। हींग से इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़ता है और खाने में भी सही रहते हैं। तो आप जिंजर गार्लिक अगर पसंद करते हैं तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये भी हमारा फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है अच्छी तरह से। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये भी पकौड़े हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। निकाल लेते हैं इन्हें भी अच्छी तरह से। बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है और खाने में भी लाजवाब बने हैं। तो ये देखिए कितने ढेर सारे पकौड़े बन गए सिर्फ 1 कप बेसन में। और ढेर सारी सब्जियों का स्वाद भी आएगा। ऊपर से डाल देते हैं चाट मसाला। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट की तरह। आप अपने घर पर आराम से बना सकते हैं। और बाहर के पकौड़े बिल्कुल मत खाइए, अपने घर पर ही बनाकर खाइए। तो मैं आपको एक पकौड़ा तोड़कर भी दिखाती हूँ। बाहर से कुरकुरा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए, दिख रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।